न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनावी यहां पर रैलियां जो है वो बढ़ चढ़कर होती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं, क्योंकि वीआईपी सीटें भी हैं। अगर 2018 की हम बात करें तो यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुई थी कांग्रेस, अशोक गहलोत बने मुख्यमंत्री, लेकिन सचिन पायलट के साथ बहुत सारे मनमुटाव देखे गए। लेकिन इस बार जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियो में कहते आए हैं कि राजस्थान में सरकार बनती हुई बीजेपी की नजर आ रही है, ओपिनियन पोल कहता है, तो 25 तारीख को वोटिंग होगी, 3 को नतीजे आएंगे। हरीश जी, राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में जो चेहरे निकलकर सामने आते हैं बड़े बड़े, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, इधर दूसरी तरफ हम बात करें तो सचिन पायलट भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर सा नजर आता है कि अशोक गहलोत ही होंगे। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि अशोक गहलोत होंगे, और बाद में अगर मनमटाव नजर आया तो वो 3 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर कुछ हुआ तो, अदरवाइज नहीं तो कांग्रेस अपनी जगह बरकरार बनी हुई है। पर मैं फिर बोलूं कि जिस तरह से राजस्थान में देखा गया है कि लोगों के बीच में हम लोग गए, जब हम पता लगा वहाँ पर, तो लोग कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं, उनके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठ के आई हैं, महिलाएं उनके साथ में नहीं है। इस तरह मैं काफ़ी परसेंटेज अगर मैं देखूं तो बीजेपी को लोग 44% लोग वहाँ पर पसंद करते हुए नजर, जो हमारा सर्वे कहता है, और कांग्रेस को 42%। तो इस बारी मतलब जो हम ओपिनियन पोल जो दे रहे थे, ओपिनियन पोल में हमने दिखाया इनको कि इस बारी बीजेपी को 115 सीट के आसपास मिलने की उम्मीद, कांग्रेस को 80 और अन्य 5। तो अन्य का इस बारी थोड़ा सा खाता कम खुलेगा, जबकि पिछली बारी अन्य की जो है काफ़ी तादाद थी, अन्य काफ़ी सारे थे। तो अगर बात करें तो बीजेपी के पास थी 73 सीटें 2018 में, और कांग्रेस के पास थी 100 और अन्य थे 27 पे। तो अन्यों का बहुत बड़ा रोल था, पर शायद बीजेपी कांग्रेस को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, पर सपोर्ट एक तरह से अन्यों का कांग्रेस को ही गया होगा, ऐसा होता है। तो मैं बताऊं कि इस बारी ओपिनियन पोल के हिसाब से बिल्कुल उलटफेर दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में जो जहाँ पहले सरकार में जो जिस तरह की सीटें थी, उस तरह से बीजेपी का आज ओपिनियन पोल दिखाई दे रहा है, बीजेपी को 115, तो 115 से 20 भी हो सकती हैं और 110 भी हो सकती हैं, ये मतलब आगे पीछे चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते। और कांग्रेस 80, जहाँ पिछली बारी अगर आप 2018 का ओपिनियन पोल अगर आप बात करें तो 2018 का ओपिनियन पोल अलग था, कुछ अलग क्या था, मतलब 10-5 सीटों का इधर उधर था, पर कांग्रेस पिछली बारी भी, समझने की कोशिश करते हैं और जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं देखते हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में मुख्य वजह कांग्रेस की जाने की क्या हो सकती है? महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, भ्रष्टाचार, या कुछ और मुद्दे जो वादे किए गए थे 2018 में वो पूरे ना होना? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस, पहले सबसे पहले मैं बताऊं कि जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। सोशल मीडिया इतना तेजी से आगे आया है पिछले इलेक्शन से और अभी तक की बात करें कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे मैं बोलूं, प्रधानमंत्री को भी अकाउंट खोलना पड़ा अपना, तो सोशल मीडिया की पावर जो समझिए, तो इसमें अब आपकी छवि आपसे पहले पहुंचती है। आप कोई भी किसी भी राजनेता के बारे में कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, कितने काम किए, क्या किया, आप गूगल करके 1 मिनट में निकाल सकते हैं, और सोशल मीडिया पे उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। तो आज बोलते ना सोशल हीरो, सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये सब के सब अपने आप को अपडेट भी करते हैं, और इससे जनता का फ़ायदा भी होता है कि इनकी परफॉर्मेंस देखनी हो, इनकी एक्टिविटीज़ देखनी हो, कितनी योजनाओं पे इन्होंने काम किया, कितनी इन्होंने विधायक नीति को लेकर इस्तेमाल किया, ये सारी देखने को खूब अच्छे से मिल जाती हैं। तो सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हुआ, जिसके कारण ये आज जनता समझदार भी हुई है, और जो एक मानसिकता है कट्टर मानसिकता, वो अलग चीज़ है। बोलते हैं ना, कई लोगों ने कहा कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तब भी हम बीजेपी के साथ हैं, सिलेंडर अगर 2000 रुपये का भी हो जाएगा तब भी हम बीजेपी, वो कट्टर मानसिकता है, वो अलग चीज़ है। बट समझदारी की जहाँ बात की जाए तो वहाँ लोगों ने अब समझदारी से काम लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल, कल मैंने सचिन पायलट को सुना और जितना सुना उससे बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, अशोक गहलोत से उनका कोई मनमुटाव है नहीं है, लेकिन 2018 के बाद से हमने देखा था 2020 में किस तरह से मनमुटाव देखने के लिए मिला था, बल्कि सचिन पायलट ने तो मोर्चा खोल दिया था, वो सड़कों पर निकल गए थे, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। अब सचिन पायलट कांग्रेस से आते इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या सचिन पायलट वाकई, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता हैं और बहुत जगहों का लगातार दौरा करते रहते हैं, तो जो जनता के मन है शायद वो टटोल लिया हो उन्होंने?
नहीं बिल्कुल, जनता का मन देखो, ये मौका भी नहीं है कि जहाँ सचिन पायलट अपने अंदरूनी मामलों को लेकर जिक्र करें या क्या नाराजगी थी। देखो परिवार है, मैं तो फिर कहूँगा एक परिवार है, परिवार में बर्तन बसते ही हैं, खनक खनक होनी भी चाहिए। अगर एक जैसा, मैं आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिया कि बोलते हैं कि ईसीजी और लाइफ लाइन जो चलती है ना, तो स्ट्रेट चल रही है तो समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब ईसीजी में भी अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो यू आर डेड। तो उसी तरह से परिवार में, रिलेशनशिप में स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। उससे ये रहता है कि उतार चढ़ाव आए, ठीक हुआ, अपना सब बैलेंस हो गया। तो अंदरूनी मामले भी इसी प्रकार से होते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मतभेद होने चाहिए, उससे जनता का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। आपने 2018 के आंकड़े बताए कि 2018 में किस कौन कौन सी सीट से किसको कितनी सीटें मिली थी, कौन कौन सी जगह से। तो ऐसे में जो संकल्प पत्र है इस बार बीजेपी का और जो कांग्रेस के साथ वचन है उन पर नजर मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र क्या कहता है, 12वीं पास मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, उज्ज्वला योजना में 400 रुपए का सिलेंडर, मातृवंदन की रकम डबल करके 8,000, पेपर लीक कांड की जांच के लिए SIT, पेपर का लीक कांड जो सबसे ज्यादा राजस्थान में जिसका जिक्र हुआ, एम्स IIT की तरह हर डिवीजन में संस्थान बेटी के जन्म पर 2,00,000 रुपए का बॉन्ड। देखिए यहाँ ये जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि बेटी के जन्म पर 2,00,000 रुपए का बॉन्ड, कहीं ना कहीं जिस तरह से पुरुषों पर महिला दर है वो जो कम है राजस्थान में, उसको बैलेंस करने की कोशिश यहाँ बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो 7 वचन है वो कॉलेज छात्रों को लैपटॉप टैबलेट, उधर स्कूटी बांटने की बात आप कर रहे हैं, इधर लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं, हर छात्र को इंग्लिश मीडियम शिक्षा, गरीबों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना, उधर 8,000 की बात हो रही है तो इधर 10,000 की, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून, आपदा पीड़ितों को 15,00,000 तक की मुफ्त बीमा, 2 रुपए किलो गोबर की खरीद। तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि राजस्थान में यहाँ कहीं जिस तरीके की सिनेरियो बन रहा है, अपराध को लेकर किसी ने बात नहीं की। देखिए ऐसा काजल, मैं कल भी जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के ऊपर बात करी थी, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुफ्त वाली राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, एजुकेशन की जहाँ बात हुई, बिल्कुल एजुकेशन के लिए ऐसे ही कुछ सिस्टम होना चाहिए, जहाँ आप KG से लेकर PG तक की जहाँ बात हुई, ये बहुत अच्छा है। अगर हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ को लेकर बात हो और हर आदमी का सेफ फील करे, जिस तरह से विदेशों में होता है मेडिकल आपका पहला होता है कि मेडिकल आपको कराना ही कराना है, इसी तरह से मेडिकल अगर आपका है और आपकी शिक्षा जो है वो फ्री है, तो मैं समझता हूँ हर आदमी शिक्षित होगा, हर आदमी सही सरकार चुनने लायक होगा। आज अगर हम ये बात करें, मैं बोलता हूँ कि आज की अगर हमारी जनरेशन में अगर ये बात हो रही है फ्री शिक्षा की, 18 साल बाद, 20 साल बाद सोचिए कैसी जनरेशन निकल के आएगी। आपने शिक्षा अगर आज दे दी तो 20 साल वर्ल्ड पावर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छी पहल होगी। किसान को अगर अनाज उसका बिक्री कर सही हो जाए, बिक्री उसकी सही रेटों पे हो जाए, तो उसको अपने लोन माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से आपने किसी तरह से महिलाओं को लेके जैसे आप भत्ता देते हो, उस भत्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलता हूँ आज की प्लानिंग के हिसाब से अगर आप जो कह रहे हो, ये 2-3 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट, जो बोल रहे हो वो पूरा कर दें, शिक्षा दे दें, स्वास्थ्य दे दें, ये दे दें, सुरक्षा दे दें महिलाओं को, वो सबसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की 3 कामयाबी अगर हो जाए, जो वादे किए हैं वो कामयाब हो जाए, तो देश का कुछ और ही नक्शा होगा। और शायद यही वजह है कि राजस्थान की महिलाएं हैं, क्योंकि जितने भी सर्वे मैंने पढ़े हैं अलग अलग जगह से, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैंने देखी है, मैंने पढ़ी हैं, और हमने खुद भी एनालिस किया है कि जो महिलाएं हैं राजस्थान की, वो कहीं ना कहीं उनका रुख जो है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हो गया है। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना या वसुंधरा राजे का नाम वो लेती हैं, ना अर्जुन राम मेघवाल का नाम लेती हैं, ऐसा कोई नाम वहाँ पर, गजेंद्र सिंह शेखावत उनका कोई नाम नहीं है, उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास है महिलाओं का राजस्थान की, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हो सकता है उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जो लोन प्रदान करना या फिर भत्ता देना, वो एक अहम पहल हो सकती है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं बॉयकॉट करती हुई महिलाएं नजर आई, खास तौर पर महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल, महिलाएं देखिए, महिलाएं इस टाइम बहुत समझदार हैं और साइलेंट वोटर की तरह काम करती हैं। मैं पिछली बारी जब हम 3 तलाक की बात हुई थी लोकसभा, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा भागीदार था इसमें। मतलब जिस तरह से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं निकल के मोदी को वोट दिया था कि घर में चाहे उनकी शिक्षा में, उनको प्रेशर में कैसे भी कुछ भी बोला, बस चुपचाप उन्होंने जाके मोदी को वोट दिया, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी राहत थी 3 तलाक। इसी तरह से इस बार भी महिलाओं का मोर्चा बिल्कुल साइलेंटली खुला हुआ है
कि आप घर में कुछ भी समझा लो, काउंटिंग कर लो, इतने वोट हमारे इसके हैं, इसके इसके महिलाएं तो हमारे कहने पे वोट देंगी, पर महिलाएं इस बारी कुछ अलग ही करने वाली हैं। मैंने कल जिस तरह से मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, जिसका बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। मैं समझता हूँ महिलाओं का वोट क्यों साइलेंट, हमारे जितने भी पत्रकार वहाँ बंधु पहुँचे, भाई बंधु पहुँचे हमारे वहाँ पर, उन्होंने यही कहा कि हमारी सड़क पर लोगों से बात हुई, महिलाएं निकल के कम आई थी, पर महिलाओं का वोट वो भी एक उसमें थे कि अलग से जाएगा और बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ऐसा उनका मानना था और ऐसा हमारा भी मानना यही है। तो इसी तरह महिलाएं बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं पूरे चुनाव में, इसीलिए महिलाओं को लेके लास्ट में जब हुआ था ना आरक्षण की बात और इस तरह की बात हुई थी, महिलाओं को लेके इसीलिए हुई थी, तो महिलाओं का अच्छा रोल होगा। तो बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एमपी में कुछ नारे इस तरह से भी आए थे कि मामा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, इस तरह के भी नारे सुनने को मिले थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मोदी प्रेम है। और क्या ऐसा लगता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या दूसरे और राज्य हो, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी चेहरा घोषित नहीं करती है, हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, क्या वो जो मोदी प्रेम है, वो जो मोदी में राज्य हो जाते हैं, यही वजह है कि लोग वोट दे रहे हैं? आपने अभी जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान का, उनको अगर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी क्या कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल देखो, ऐसा है, मोदी के नाम पे लड़ने का इनको फ़ायदा क्या है मैं बता दूं कि मोदी के पीछे कोई परिवारवाद नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो जो भी है देश के लिए है, और उनका जो वर्किंग स्टाइल है 18 घंटे काम करना, 17-18 घंटे उनका डेली का है। अभी तक आपको याद है कि किसी दिन पिछले 9 सालों में मोदी कभी बीमार पड़े हों, किसी दिन छुट्टी ली हो, कभी आपको एक एक दिन कभी मुझे बता दीजिए कभी ऐसा हुआ हो। अगर वो छुट्टी ली भी होगी तो किसी को नहीं पता, अगर बीमार पड़े होंगे तो किसी को नहीं पता, वो हमेशा देश के लिए हमेशा खड़े रहे। और मैं बोलता हूँ कई कई प्रदेशों में वो एक दिन में रैली कर जाते हैं और वो ही जोश के साथ, उतनी ताजगी के साथ। तो देखो लोगों पे बीच में तो असर आएगा, मोदी प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ अपने अपनी पूर्व मतलब अपने वंश को कोई बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, ये सब देश के लिए करके जाने वाली बात है, देश के लिए ही इनका जो कुछ भी, अगर ये कुछ अच्छा करेंगे तो देश के लिए होगा, और कुछ बुरा हो गया तो वो भी देश का ही होगा, मगर अभी फिलहाल तो अच्छा ही है सब कुछ। अच्छा, 2020 में हमने देखा था कि जिस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आई थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव था, उसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश किया था। अब 2023 में, मतलब 25 तारीख को वोटिंग के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या लगता है ये वजह, जो अंतर्कलह है गहलोत और सचिन पायलट के बीच, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है कि कांग्रेस का डाउनफॉल होगा? देखिए कांग्रेस का डाउनफॉल पक्का है, जिस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, काम अपने अपने जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था वो भी पूरे नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आप राहुल गांधी को राजस्थान में कम पाया होगा आपने, उनको साफ पता है कि हमारा राजस्थान में कुछ हम बचा नहीं, जा जा रहे हैं, बचा नहीं है कुछ भी, और वो उनका ज़्यादातर मध्य प्रदेश की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने की आशंका है। अब मैं फिर बोल दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2-4 सीटों का ही आगे पीछे फर्क पड़ेगा, कि या तो 2-4 सीटों से कांग्रेस आगे होगी या बीजेपी होगी, भी कांटे की टक्कर होगी, और कई सीट ऐसी होंगी जहां पता लगे कि 50 वोट से, 100 वोट से इस तरह से अंतर दिखाई देंगे, तो वहां उनको लगता है कि शायद हम लोग बना लेंगे। तो चांसेस हैं, मैं बोलूँगा अगर 100 में से 90% चांसेस उनके भी हैं कि वो बना सकते हैं, कांटे की टक्कर में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत वो नाम है जो राजस्थान में 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और या तो वसुंधरा राजे रही हैं इतने सालों से, या अशोक गहलोत। और अगर बीजेपी का मैं जिक्र करूँ, तो बीजेपी ने वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया है, तीसरी जो लिस्ट आई थी उसमें उन्हें टिकट दी गई है, उससे पहले ये बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे पहली चॉइस होगी, क्यों, क्या वजह है? अगर जैसे कि अर्जुन राम मेघवाल की हम बात कर लें, अर्जुन राम मेघवाल एक बड़ा दलित चेहरा, केंद्रीय मंत्री अलग से, तो क्या वो जो दलितों को तरफ अपनी तरफ खींचने का जो फैक्टर है, उस पर बीजेपी काम कर रही है, इसी वजह से अर्जुन सिंह मेघवाल का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है? ओम बिरला भी यहीं से आते हैं, देखिए ओम बिरला भी यहाँ से आते हैं, अर्जुन मेघवाल भी यहाँ से आते हैं, और गजेंद्र दलितों सिंह का शेखावत भी, शेखावत जी ठाकुर परिवार से आते हैं, वो ठाकुर कहलाते हैं वहाँ पर, तो उनका इसलिए नंबर 2 पे रखा गया। अगर किसी तरह से अगर जीत हुई अर्जुन मेघवाल की वजह से, तो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, पर
पर बीजेपी है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। यहाँ ना कोई, यहाँ एक मिनट पहले भी पता नहीं होता कि कौन होने वाला है, और कई बारी किसी को गिफ्ट भी मिल जाता है। उत्तराखंड में आप देख ही सकते हो कि दो बारी के विधायक अगर आज चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो और जिस तरह से कद बड़ा है अर्जुन सिंह मेघवाल का, अर्जुन राम मेघवाल का, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ बीजेपी ने पूरा भरोसा जताया है राजस्थान में उन पर। बिल्कुल, बीजेपी का भरोसा है, और मैं बताऊँ लोगों का भरोसा बन गया है इस बारी कि वहाँ पर एक एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी, इस तरह का भरोसा इस बारी दिखाई दे रहा है कि लोग भी बदलाव चाह रहे हैं वहाँ पर राजस्थान को किसी ना किसी तरह से। मैं फिर कह दूँ, 3 तारीख का ज़्यादा दूर नहीं रह गई, और अभी इनके जितने भी वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने कल जिस तरह से हुआ है, तो लोग बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या जिस पैटर्न पर हमेशा राजस्थान की जनता चलती रही है वो पैटर्न अपनाया जाएगा कि सरकार बदलेगी 5 साल में, या फिर अशोक गहलोत को दोबारा से यहाँ जनता लेकर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ओपिनियन पोल बता रहा है वो तो साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो 25 तारीख को वोटिंग है, अपील आपसे ये है कि वोट करने जरूर जाएं, महिलाएं खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो राजस्थान है महिलाओं के अपराध को लेकर नंबर 1 बन चुका है। तो जरूरी है आपका वोट करना, आपका हर एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी।